गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपका करंट अफेयर्स का है। आज डेट क्या है? 28। सिर्फ हमारा जो है आपका 28 के हैं, तो 29 और 30 दो दिन के करंट अफेयर्स रह गए हैं इस महीने के, और अप्रैल महीना भी इस महीने 30th के साथ हम अप्रैल के भी मैक्सिमम करंट अफेयर्स डील कर चुके हैं, तो अक्टूबर के शुरू होंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, और एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, करंट अफेयर्स का सेशन है, तो जितना हो सकता है इसको भी शेयर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आ गया है, KVIC हैज़ रिसेंटली सेट अप टस्सर सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर इन विच स्टेट? KVIC, खादी विद्या, इसको बोल सकते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ये जो है इसने हाल ही में एक टस्सर सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर जो है वो सेटअप किया है। ये कहाँ पे सेटअप किया है? गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सेटअप किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पे सेटअप किया गया है? उड़ीसा। ठीक है, टस्सर सिल्क जो है, टस्सर सिल्क इज़ द वन ऑफ द, जो टस्सर सिल्क होती है इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट सिल्क। ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिल्क है, जिसका जो सेंटर है ये कहाँ पे बनाया गया है? सेंटर का नाम क्या है? चौदवार, चौदवार इन उड़ीसा। ठीक है, जिसके लिए कहा जा रहा है कितना पैसा जो है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड, 75% ऑफ द टोटल खादी जो है वो इसको, टोटल खादी जो है वो कितना दे रहा है? 75%। वैसे 75 लाख जो है इसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए खादी। आपको एक चीज़ और, जो हमारा तिरंगा झंडा भी है वो सिर्फ खादी विलेज इंडस्ट्रीज से ही बनता है। तो टस्सर सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर जो है ये किसके लिए, कहाँ पे सेटअप किया गया है? दैट इज़ उड़ीसा। सबसे बेस्ट सिल्क कौन सी है? टस्सर सिल्क, जिसके लिए जो एक सेंटर सेटअप किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है? उड़ीसा के चौदवार, क्योंकि सबसे अच्छी सिल्क टस्सर सिल्क उड़ीसा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज फॉर इंडियन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स? देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें कि प्लानिटेरियम स्टार्टअप जो था, ये एक स्टार्टअप प्रोग्राम था, हमने पहले भी किया है। दिस इज़ द स्टार्टअप प्रोग्राम फॉर न्यू वेंचर्स, जिसमें आपकी AR, विजुअल रियलिटी, इमर्ज रियलिटी पे फोकस किया गया है। और ये जो है इसमें आपका मैक्सिमम यूथ, जिसको आप बोल सकते हैं टू बिल्ड सॉफ्टवेयर्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, ऑथेंटिक, वर्चुअल एंड इमर्ज। तो ये जो स्टार्टअप प्रोग्राम है, इट्स टू गिव अ न्यू बूस्ट टू द टेक्नोलॉजीज़ के लिए नया बूस्ट है, ताकि जो है हम अपने इकोनॉमी को ठीक कर पाएँ और अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जैसे इंडिया की टेक्नोलॉजी, जैसे इंडिया डिजिटलाइज्ड हो रहा है, तो अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए ये प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज चलाया है। तो ये किसने चलाया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नहीं, MSME नहीं, आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इसने चलाया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन ग्रांटेड द 2021 ग्लोबल गोल्ड कीपर अवार्ड? कि गोल्ड कीपर अवार्ड 2021 किसको मिला है? नरेंद्र मोदी, फुमजिले मालबो नाकुका, या लेमा बॉब्वे, या एलन जोसेफ सरलिव? देखिए, जो 2021 गोल्ड कीपर अवार्ड मिला है, ना ही वो नरेंद्र मोदी को मिला है, वो मिला है फुमजिले मालबो नाकुका, इनको मिला है। किसने दिया है? बेल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के द्वारा दिया गया ये अवार्ड है। इसके साथ और भी अवार्ड मिले हैं, जैसे चेंज मेकर अवार्ड 2021, चेंज मेकर अवार्ड जो है वो किसको मिला है? बांग्लादेश के हैं ये, और इनको मिला है, बांग्लादेश के हैं जिनको चेंज मेकर, किस में, नाम लिखा देती हूँ, फॉर गुड हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए किसको मिला है? इनका नाम है आपका फरीज फजे बेथर। ठीक है, एक अवार्ड ये मिला है, एक मिला है प्रोग्रेस अवार्ड। प्रोग्रेस अवार्ड जो है ये किसको मिला है? प्रोग्रेस अवार्ड मिला है आपके, नाम बताती हूँ, जेनिफर कॉल
जेनिफर कॉलपास, ठीक है। और एक लास्ट अवार्ड है कैंपेन अवार्ड, कैंपेन अवार्ड, ये जो है आपका कैंपेन अवार्ड, ये मिला है आपको शरीफ ऑफ लिबरिया, ठीक है, लिबरिया। तो ये जो है आपके, इनको मिला है, इन्होंने क्या किया है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको कैंपेन अवार्ड किसको मिला है, सर शरीफ, प्रोग्रेस अवार्ड जेनिफर कॉलपास को मिला है, चेंज मेकर अवार्ड बांग्लादेश के फॉर गुड हेल्थ, और बेल मिंडा ने किसको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया है, वो है फुमजिले। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साउथ पैसिफिक ओशन कंट्री रिसेंटली मूव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, कि कौन सा साउथ पैसिफिक कंट्री है, यानी जलवायु परिवर्तन के संबंध में हाल ही में किस देश ने, दक्षिण प्रशांत महासागर के देश ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया है, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, वनुआटू या पपुआ न्यू गिनी। देखिए, जो साउथ पैसिफिक ओशन कंट्री है, इसने रिसेंटली देखा है कि हाल ही में इटी आइलैंड्स में काफ़ी ज़्यादा जो है क्लाइमेट चेंज आया है, मतलब एकदम से ड्रास्टिक चेंज आई है। इस ड्रास्टिक चेंज को कवर करने के लिए डॉजन जितने भी है पैसिफिक आइलैंड्स, इसमें एक ड्रास्टिक चेंज आई है, तो ये कौन सा है आपका, वनुआटू, ये क्या है आपका, वनुआटू, ये क्या है आपका, वनुआटू, आंसर इज वनुआटू, ठीक है। कितने आइलैंड्स, 80 आइलैंड्स, कितने आइलैंड्स हैं, 80 आइलैंड्स, कौन से साउथ पैसिफिक ओशन के, साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच एंटिटी ऑपरेट्स डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इन इंडिया। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है इट्स द प्लेटफॉर्म जिसमें ड्रोन्स के थ्रू जो है आपकी सर्वे किया जा रहा है, तो ड्रोन्स का सर्वे, इट्स द ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है, तो इसके थ्रू जो है डिजिटल स्काई से जो है आपका एयर स्पेस मतलब मैपिंग की जाएगी, ताकि इंडिया को ऑपरेट किया, मतलब इंडिया मैपिंग के थ्रू जो है इंडिया को देखा जाएगा, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी। तो ये किसने किया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और हमें ये पता होना चाहिए एविएशन मिनिस्टर कौन है, ज्योति राव सिंधिया, ये याद रखना। तो अब बात आती है कि ये जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है, ये क्या क्या देखेगी, ये इसने सेक्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है, ऑरेंज, रेड और येलो, किस में डिवाइड किया गया है, रेड, येलो और ग्रीन वे से जो है इसको, ड्रोन्स को डिवाइड कर दिया गया है, ताकि वो इंडिया को ऑपरेट कर सके। ग्रीन, रेड एंड येलो के बेसिस पे डिमार्केशंस कर दी गई है कि ग्रीन एरिया, रेड एरिया और येलो एरिया। तो ये क्या है, डिजिटल मीन्स स्काई के थ्रू जो है, यानी डिजिटल स्काई मीन्स ड्रोन्स, ड्रोन्स को जो है, ड्रोन्स के थ्रू जो है मैपिंग की जा रही है, या इंडिया को ऑपरेट किया जा रहा है, जितने भी सेक्टर्स हैं उनको प्रॉपरली ड्रोन्स के थ्रू देखा जाएगा। तो ये कौन कर रहा है आपका, डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन, तो सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है आपके, ज्योति राव सिंधिया। हु हैज़ लॉन्च द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन फॉर द इंटायर कंट्री। आयुष्मान भारत डिजिटल योजना किसने शुरू की है, अमित शाह ने, आपके राजनाथ सिंह या मिस्टर मोदी। तो आयुष्मान भारत जो है ये कब शुरू हुई है, 27 सितंबर को ये शुरू की गई है, 27 सितंबर को शुरू की गई है इंटायर कंट्री, जिसमें हर एक सिटीज़न, एवरी सिटीज़न जो है उसको प्रॉपरली जो है वो ट्रीटमेंट मिलेगी, और जितने भी डिजिटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो घर घर जाकर जो है आपकी रजिस्ट्रीज करवाएंगे। मतलब आप ये सोच लीजिए कि ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, कि थ्रू डिजिटलाइजेशन हर एक सिटीज़न की जो है हेल्थ का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा, और प्रॉपरली जो है उनकी हेल्थ सर्विसेज को एक्टिवेट किया जाएगा। तो ये कौन है, मिस्टर मोदी। नेक्स्ट आता है आपका, हु इज़ नेम्ड एज द मास्टर कार्ड्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। मास्टर कार्ड्स ग्लोबल है कहाँ पे, ये है न्यूयॉर्क में, तो मास्टर कार्ड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है, इसका सेंटर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ठीक है।
तो ये जो है इसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मैग्नस चार्ली, मैग्नस पोप, मार्टिन कार्लस या मैग्नस कार्लसन? तो आंसर इज मैग्नस कार्लसन, जो कि एक चेस चैम्पियन है, जिनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? मास्टर कार्ड्स का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैग्नस चार्लसन, जो कि क्या है, चेस चैम्पियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड रेबीज डे ऑब्जर्व? रेबीज डे जो है आपका किससे बनाया जा, मतलब आपका कब मनाया जाता है? देखिए 27 को, अभी देखिए अगर हम इसको देखें, एक ये इंफॉर्मेशन एक्सेस डे भी मनाया जाता है इसको 28 को, और आपका 28 डे को जो है ये क्या मनाया जाता है, रेबीज डे। रेबीज डे जो होता है, रेबीज कौन किससे होती है, डॉग से होती है, और क्या वायरस होता है, रेबियोला वायरस होता है। तो ये जो है आपका इसमें जो उसका थीम था, दैट इज़ योर फैक्ट्स ऑफ रेबीज एंड फेयर एंड फेयर, ये था इसका थीम। देखिए 27 को हमने कल किया था टूरिज्म डे, टूरिज्म डे जो है वो कब मनाया जाता है, 27 को, तो ये भी याद रखना। 28 जो है राइट आंसर, इसको आपका इंफॉर्मेशन एक्सेस डे भी बोलते हैं, इस दिन हम इंफॉर्मेशन एक्सेस डे भी मनाते हैं, और आपका जो है रेबीज डे भी मनता है। ठीक है, इसके बाद है आपके ये क्वेश्चन की हिंदी जो है कि रेबिस डे दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, नेक्स्ट आता है, नागा कुकुम्बर ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गेन GI टैग फॉर इट्स यूनिक, मतलब नागा, अभी देखिए GI ट्रैक में हमने पहले भी किया था कि एक मिर्च थी उसको भी जो है GI ट्रैक में लिया गया, वैसे ही नागा कुकुम्बर किस स्टेट का आपका GI टैग बना है, मतलब उसको एक आइडेंटिटी दी गई है, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम या नागालैंड? तो नागा मीन्स नागा कुकुम्बर, तो नागा कुकुम्बर को एक GI टैग जो है वो कहाँ का, किस स्टेट का है, ये नागालैंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट प्लेयर मून अली हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट मैच। हाल ही में क्रिकेट प्लेयर मून अली ने, जो मोइन अली हैं, उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दी है, तो वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान? तो उसका जो सही आंसर है, ये कहाँ के थे, ये इंग्लैंड के थे, ये कहाँ के थे आपके, इंग्लैंड, ये कहाँ के थे आपके, इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये तो थे आपके 10 क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके आज के करंट अफेयर्स थे, सितंबर 28 के थे ये। तो अब हम करने जा रहे हैं आपके जो हमें कल दिए थे आपको, उसका आंसर्स देखते हैं। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर द यूथ ऑफ विच कंट्री? प्रधानमंत्री ने स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप किस कंट्री के लिए शुरू की है? तो वो है, जिसने आंसर दिया है, अविनाश गंभीर जी ने पार्टिसिपेट किया था, थैंक यू अविनाश गंभीर जी, जिन्होंने ये पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने आंसर दिया था बांग्लादेश, आपका आंसर सही है। व्हाट इज़ द न्यू माइलस्टोन रीच्ड बाय द जल जीवन मिशन? न्यू माइलस्टोन जल जीवन मिशन स्कीम का क्या है? ऑन March 31, 2021, तो जल जीवन मिशन स्कीम जो है वो कब, इसके अंतर्गत कितना आता है, 4 करोड़, कितना आता है, 4 करोड़। नेक्स्ट, HCCR इसका मतलब क्या है? HCCR का मतलब होता है होम्योपैथी क्लिनिकल केस रजिस्ट्रेशन, तो क्लिनिकल केस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत होम्योपैथी ये जो है, विच हैज़ रिसेंटली आयुष मिनिस्ट्री, जो कि आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, इज एसोसिएटेड, जब आपका वर्ड ही आ रहा है होम्योपैथी क्लिनिकल केस, ठीक है, यही आ रहा है ना, होम्योपैथी क्लिनिकल केस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, तो ये कौन लॉन्च कर रहा है, आयुष मिनिस्ट्री, कौन लॉन्च कर रहा है, आयुष मिनिस्ट्री, तो ये किस फील्ड से हैं, ये है होम्योपैथी फील्ड से, आंसर इज होम्योपैथी फील्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नैसकॉम? नैसकॉम का चेयरपर्सन कौन है? आंसर इज रेखा एम मेनन, रेखा एम मेनन को जो है हाल ही में, ये आपके सारे याद रखना, ये अप्रैल के हैं, तो जिनके अप्रैल 2020 के, ये पक्के 2021 के,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये है आपका होमवर्क, ये क्या है आपका होमवर्क है, तो होमवर्क को देखते हैं क्या है आपका होमवर्क, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है शंखा घोष हु डाइड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। शंख घोष जिनका हाल ही में निधन हुआ यानी अप्रैल में जब निधन हुआ था वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, क्रिकेट पोइट्री डांस बिजनेस। विच इज़ द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डेज, व्हेन इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डेज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस द्वारा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन दिवस कब मनाया जाता है, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल 21, अप्रैल 25 या अप्रैल 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानपू पोर्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज़ इज लोकेटेड एट, आपने देखा था ये क्वेश्चन आया हुआ था क्लर्क के पेपर में, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि यानपू पोर्ट जो है वो किस कंट्री से रिलेटेड है। वॉट इज़ द थीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 दैट कंक्लूडेड रिसेंटली, मतलब आपने इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 का क्या थीम था वो बताना है। सेफ एंड सिक्योर स्काइज, गार्डिंग द स्काइज, आत्मनिर्भर इन डिफेंस या री ओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा है। प्लीज़ गाइज, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और फ़ायदा हो रहा है कि आपको याद हो रहा है और आपको बैंक मतलब आप क्वेश्चन बैंक्स बना रहे हो अपने, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करवाइए, जितना हो सकता है शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी।